प्रकृति के सबसे अद्भुत नजारों में से इंद्रधनुष संभवतः सबसे अनूठा है। अधिकतर वर्षा के पश्चात दिखाई देने वाला ये विहंगम दृश्य हमेशा पुलकित कर देता है। इसके पीछे का विज्ञान भी इसके जितना ही विलक्षण और चकित कर देने वाला है। इंद्रधनुष की स्थिति सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलती है। इंद्रधनुष संध्या में पूर्व दिशा तथा प्रातः काल में पश्चिम दिशा में दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है साइंस शो। साइंस शो। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है इंद्रधनुष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले क्रमशः लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी नीले, नीले तथा बैंगनी रंग श्वेत प्रकाश के घटक है। इंद्रधनुष की रचना दरअसल केवल प्रकाश किरणों का खेल मात्र है। आधुनिक समय में रेने डेकार्टे नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रकाश के सिद्धांतों के आधार पर इंद्रधनुष की प्रक्रिया को समझाया था। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश बादलों में मौजूद जल की अति सूक्ष्म बूंदों पर पड़ता है तो सूर्य की किरणों का विपेक्षण या डिस्पर्शन होता है और यही इंद्रधनुष की रंगीन छटा का कारण बनता है। वर्षा के बाद हवा में जल की सूक्ष्म बूंदें रह जाती है, इसलिए जब वर्षा के तुरंत बाद सूर्य दिखाई देता है तो उसकी किरणें इन बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने लगती है और इसी से उत्पन्न हुई विक्षेपण की स्थिति में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष के दिखाई देने के लिए सूर्य की स्थिति दर्शक के ठीक पीछे होनी चाहिए और इसीलिए संध्या में जब सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम में होता है तब इंद्रधनुष पूर्व में और इसी तरह सूर्य उदय के समय पश्चिम में दिखाई देता है। कभी कभी खेत खलिहानों में चलने वाले पानी के स्प्रिंकलरों और तेज धूप में पानी के पाइपों के मुंह पर भी छोटे छोटे इंद्रधनुष दिखाई दे जाते हैं। रंगों के वृत्तों का आकार या चौड़ाई हवा में मौजूद जल की बूंदों के छोटे या बड़े आकार के कारण होती है। इसका सिद्धांत भी वर्षा की बूंदों जैसा ही है। विभिन्न मौसमी कारणों और सूर्य की स्थिति अनुसार तीन तथा चार आंतरिक परावर्तन से भी इंद्रधनुषों का बनना संभव है, परंतु ऐसे इंद्रधनुष कभी कभार ही दिखाई देते हैं। सूर्य के बादलों में छिपे रहने पर भी इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, पर ये सदैव सूर्य की दिशा में ही होते हैं, उसके उलट नहीं। एक और संभावना चंद्रमा की किरणों के विक्षेपण से भी इंद्रधनुष बनने की है। ऐसा तब होता है जब जल की सूक्ष्म बूंदों से चंद्रमा की तीव्र किरणों का विक्षेपण सूर्य की ही तरह हो। ऐसा अपेक्षाकृत उन अंधेरे इलाकों में देखा जा सकता है जहां कृत्रिम प्रकाश का अभाव हो। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्या होता है इंद्रधनुष। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी दुनिया भर के साइंस रिलेटेड खबरों, तथ्यों और कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए साइंस शो। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। नमस्कार।